हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल है अंडर प्रेशर। इसमें जो है इसमें जब भी कोई न्यूज़ जो है मीडिया में आ जाती है, तो और मीडिया में उस न्यूज़ की वजह से अगर पब्लिक आउटरेज होने लग जाता है, तो उसके प्रेशर में आके जो लोकल पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट करती है जब उस केस को, ठीक, तो उस केस को इन्वेस्टिगेट करके जो फाइंडिंग्स वो बताती है वो अक्सर मैच नहीं करती। जब उसको सीबीआई प्रोब करती है, उसको जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, तो उससे जो है लोकल पुलिस की फाइंडिंग्स कभी भी जो है मैच नहीं करती। यही केस हुआ है अभी रियान इंटरनेशनल स्कूल में। इससे पहले जो है आलशी हत्याकांड जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल है इस चीज का। तो यही जो है इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद जिम्बाब्वे का आर्टिकल बिल्कुल भी दूर दूर तक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटली स्किप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे रियाद में अभी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने जो है सऊदी अरेबिया जाके रिजाइन कर दिया है और वजह बताया है ईरान को। तो जो है सऊदी अरेबिया का कुछ टाइम पहले भी आर्टिकल आया था, तो इसको यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि क्यों हुआ और क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको जो है पता होना चाहिए, और जो जो लोग पहले देख चुके हैं उनका एक बार रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे उस क्या हुआ है, लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने क्यों इस तरह से रिजाइन किया है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर अ वाइडर कवर, यहाँ पे जो है हमने INDC प्लेज में कहा था कि 2.523 बिलियन ऑफ बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू जो है एलिमिनेट करेंगे एटमॉस्फेयर से। तो ये चीज अब जो है इसमें हमारे यहाँ देखा गया है कि सिंस हमारा टारगेट ये है, हमारी INDC प्लेज ये है, हमें इसको जो है फुलफिल करना है, तो हमारे यहाँ जो है जैसे MP और UP जैसे स्टेट्स हैं, तो ज़्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव पे। तो उनको लग रहा है कि प्लांटेशन ड्राइव मतलब प्लांटेशन से जो है हम ये गोल को अचीव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अलग मेथड्स और कुछ अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें जो है अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। वही चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी हुई हैं, तो इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगेन रिकैपिटलाइजेशन और एनपीए का इशू आ गया है यहाँ पे। यस नो एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला पार्ट जो है हमेशा ही हर उसमें ही काफ़ी बैलेंस्ड होता है, और इसमें भी बैलेंस्ड है। इसमें भी कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, कुछ इश्यूज हैं उन उसके सॉल्यूशंस बताए हैं, तो इसको हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है इट टेक्स अ विलेज। इसमें बेसिकली जो मेन इसका इसको समराइज करें तो ये इसमें बोला गया है कि ओनली टीचर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब अगर बच्चे लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर लो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो जिम्मेदार है वो टीचर को नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। टीचर्स खाली टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। खाली टीचर्स के साथ ब्लेम गेम खेलने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पैकिंग ऑर्डर। तो पैकिंग मीन्स होता है जब कोई बर्ड अपनी चोंच से किसी खाने के दाने को या किसी दाने को बार बार हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसको जो है पैकिंग बोलते हैं। तो द पैकिंग ऑर्डर ये जो है यहाँ पे पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे लॉ कमीशन ने जो है कुछ दो रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये हम फटाफट से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितनी पॉवर्टी है, ये सब इस डेटा पॉइंट में बताया गया है। तो श्रीलंका जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो तमिल्स थे वो जब ब्रिटिश के पीरियड में जब यहाँ से माइग्रेट किया था उन लोगों ने, तो श्रीलंका हमेशा ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। तो एक बार इस डेटा पॉइंट को भी अच्छे से देख लेंगे। तो आगे है अगेन अंडर प्रेशर। जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा जो है पुलिस की फाइंडिंग्स और सीबीआई की फाइंडिंग्स में जो है डिफरेंस रहता है, तो यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन सिर्फ क्योंकि बात मीडिया में आ गई है, और इसके चलते जो है उन लोगों को कंक्लूजन्स पे मतलब फोर्सफुली कन्फेशन अगर मतलब जिसपे शक है, सस्पेक्ट है जो, उसको कस्टडी में रख के उससे ज़बरदस्ती जो है कन्फेस करवा के या उससे उसका कुछ ऐसा बयान लेके जिससे आगे उसे मुसीबत हो सकती है, तो और उसको फिर मीडिया में प्रेजेंट कर देना, तो ये पुलिस की जो टैक्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है इसमें। और रियान इंटरनेशनल स्कूल का इशू काफ़ी न्यूज़ में था, तो यही और सेम यही चीज़ जो है इससे पहले आरुषि हत्याकांड में भी हुई थी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो द पुलिस मस्ट लर्न नॉट टू सकम टू द टेम्पटेशन टू रैप अप प्रोब, मतलब जल्दी प्रोब खत्म करने, जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के चक्कर में जो है फटाफट किसी से ज़बरदस्ती कन्फेस करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद पब्लिक के सामने जो है उसको दोषी करार कर देते हैं। तो पुलिस हैड टू एक्सट्रैक्ट
कन्फेशन इज अ डाउन राइट डिस्ग्रेसफुल। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पुलिस रिफॉर्म्स की में की जब स्टडी हुई है तो उसमें यह बात हाईलाइट की गई है कि द नीड टू मेक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस मोर साइंटिफिक एंड मोर रूटेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस इंस्टेड ऑफ टॉर्चर एंड एक्सट्रैक्टेड कन्फेशंस। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि ज़्यादातर जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए और फॉरेंसिक एनालिसिस पर बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स इन रियाद, तो जैसे कि रियाद सऊदी अरबिया की कैपिटल है, पहले भी मैं ये आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे। उसके बाद यमन है, यमन से इनके संबंध अच्छे नहीं है, ईरान से इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, खासकर जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो वो हमेशा ईरान से जो है उन नहीं बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो है लेबनन है, छोटा सा कंट्री है ये लेबनन, उसकी कैपिटल बेरत बेरत है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इसराइल है, ये इसराइल है, इसराइल में ये जो है वेस्ट बैंक और यहाँ पे जो है गाजा स्ट्रिप, तो ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, जेरूसलम देख रहे हैं आप। तो उसके बाद सीरिया है, सीरिया बिल्कुल इनके इनका जो है इमीडिएट नेबर है और यहाँ पे जो है ये गोलन हाइट है, तो ये भी हम काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहता है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने जो है सऊदी अरबिया में जाके रिज़ाइन कर दिया और वजह बताया है ईरान को, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट को डॉट यूके का एक स्क्रीनशॉट है, तो उसमें इसमें जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि IMF वर्ल्ड बैंक और कुछ वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे डिस्कशन होनी थी, तो इनकी मीटिंग थी IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, तो इन्होंने जो है और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है रिज़ाइन ही कर दिया। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, इट्स लाइक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है नॉर्थ कोरिया में जाके रिज़ाइन कर दें और ये बताएं कि मतलब US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वजह बता दें, तो ये कुछ ऐसा केस हो गया। ये ऐसा कभी होता नहीं है, ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है तो कि किसी एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है दूसरी कंट्री में जाके और थर्ड कंट्री को जो है वजह बता के रिज़ाइन कर दे, तो बहुत ही, और उसके तुरंत बाद ही जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने एंटी ईरान स्टेटमेंट दे दी। तो ये जो है अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है सऊदी अरबिया में। और उसके बाद सलमान इफेक्ट क्या है, ये किंग सलमान है सऊदी अरबिया में, अभी फ़िलहाल किंग हैं और ये जो है क्राउन प्रिंस हैं, तो नेक्स्ट किंग ये बनेंगे अब। उसके बाद इन्होंने जो है टेक ओवर किया था किंग अब्दुल्ला से, तो पहले इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, 3 साल पहले तक इनका नामो निशान कहीं नहीं था, एकदम से जब इनके पापा जो है किंग बने तो फिर इनको जो इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और जो क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन नाइफ, तो उनको जो है क्राउन प्रिंस के उससे हटा के जो है इनको क्राउन प्रिंस बना दिया गया। तो ये चीज़ है, अभी लेटेस्ट जो है वो ये है, जो हुआ था वो ये है कि इन्होंने कुछ प्रिंसेस को, कुछ सीनियर मिनिस्टर्स को जो है इन्होंने करप्शन चार्जेस में जो है अरेस्ट कर लिया है। मतलब प्रिंस को अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात है, प्रिंस को अरेस्ट करना, जो वहाँ के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट करना, वो भी जो बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन है, उनको अरेस्ट कर लेना करप्शन के चार्जेस में, तो ये जो है अभी वहाँ पे हुआ था, इसलिए जो है सऊदी अरबिया काफ़ी न्यूज़ में है अभी। उसके बाद इस आर्टिकल में और यही दिया गया है कि लेबनीज प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी हु वाज लीडिंग अ यूनिटी गवर्नमेंट इन विच हिज़्बुल्ला द शिया पार्टी, ये शिया पार्टी इन्होंने इनको भी जो है ब्लेम किया है, वाज अ पार्ट अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वाइल इन रियाद, जब वो रियाद में जाके मतलब सऊदी अरबिया में जाके जो है अपना रेजिग्नेशन दिया है, तो ईरानियन इन्फ्लुएंस को लेबनीज पॉलिटिक्स में जो है ब्लेम किया है। तो इट्स क्वाइट एन अनयूजुअल वे फॉर अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर टू अनाउंस हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम अनदर कंट्री ब्लेमिंग इट ऑन थर्ड नेशन, तो यही बात जो मैंने आपको बताई बोली। और फिर इनका हमेशा ही सऊदी अरबिया का जो है एंटी ईरान एंटी हिज़्बुल्ला स्टैंड रहता है। उसके बाद इवन जो उस कंट्री में जो हिज़्बुल्ला शिया पार्टी है वो भी ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे लेबनीज प्राइम मिनिस्टर है उनको वापस आना चाहिए। तो उसके बाद ये इनका एक प्लान हो सकता है ईरान के अगेंस्ट कुछ कुछ स्टेप्स लेने का, तो ये चीज़ यहाँ पे, वैसे मैंने बोला कि यमन के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती, सीरिया के साथ प्लस कतार के साथ, तो ये सारी कंट्रीज यमन इराक कतार ये है और इराक सीरिया, सीरिया तो ये है ही। उसके बाद फॉर अ वाइट कवर, अब यहाँ पे ये है कि अक्सर हमारी हमारी कंट्री में जो है ये देखा गया है कि एनवायरनमेंट के नाम पे जो है प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत होती हैं। तो जैसे अभी जो है जुलाई 2017 में जो है एमपी के सीएम ने
जुलाई 2017 में एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट करी। लास्ट ईयर जो है 2016 में जो है ये यूपी में प्लांटेशन ड्राइव जो है कंडक्ट की गई थी। तो यहाँ पे ये है कि प्लांटेशन ड्राइव पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, जबकि प्लांटेशन ड्राइव में फोकस ना होके कुछ और टेक्निक्स हैं जिसपे जिससे जो है हमने एक्चुअली हमने INDC में ये प्लेज की है कि हम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू जो है एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन को कैप्चर किया जाता है, कार्बन को, ताकि CO2 जो एक तरह से कह सकते हैं आप कि CO2 को जो है काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कार्बन कैप्चर एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे भी, तो उसके चलते जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया। और ये ही हमने अपने एक INDC प्लेजेस जो हमने ली थी तो उसमें एक हमारा टारगेट भी है। तो अब इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए अक्सर जो स्टेट के CM वगैरह होते हैं तो वो प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। अब उसमें जो है, ये मैंने आपको बता दिया INDC, अब उसमें उससे जो है प्लांटेशन ड्राइव से इतना ज़्यादा इतना एटमॉस्फेरिक CO2 जो है स्टोर नहीं होगा। तो उसके लिए अलग मेथड्स बताए हैं, जैसे कि फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन सिस्टम। तो इसमें क्या है, इसमें फार्मर्स प्रोटेक्ट एंड मैनेज द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट रीजनरेट नेचुरली, जो अपने आप नेचुरली जो है रीजनरेट करते हैं, तो इन देयर फील्ड्स फ्रॉम रूट स्टॉक और फ्रॉम सीड्स डिस्टर्ब सॉरी डिस्पर्स्ड थ्रू एनिमल, मतलब जो अपने आप नेचुरल वेजिटेशन है उसको जो है फार्मर प्रोटेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। और ये जो है नाइजीरिया में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसके थ्रू जो है 25 to 30 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो है इन्होंने मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेट किया है इन्होंने। तो ये काफ़ी इसका मतलब ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, और इसको हम भी इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू ये आप यहाँ पे देखो कि 25 to 30 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है इन्होंने इस तरह से सिक्वेस्ट्रेट किया है, और हमारा टारगेट है 2.5 to 3 बिलियन टन। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है ये, और काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करें तो। इंडिया में जो है नबार्ड का वाडी मॉडल जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें क्या है, ये 2009 में शुरू हुआ था, ये यूपी के झांसी एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो वाडी जो है ये गुजराती वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा गार्डन जो जिसमें जो है ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम होता है। ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम मतलब एक तो उस लोकेशन की सूटेबिलिटी देख के कि वहाँ पे मतलब कि कौन से, एक होता है ना कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, तो उस उसमें जो है सूटेबिलिटी देख के जो है कौन सा फ्रूट मतलब इसमें यहाँ पे ट्री में जो है फ्रूट बियरिंग ट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो वहाँ पे वुड के बेसिस पे भी ट्री हो सकते हैं जो नॉर्मली फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री स्पीशीज हो सकते हैं या फिर फ्रूट ट्री हो सकते हैं, तो जो उस एरिया को जो है सुटेबल है, जैसे एरिया में वहाँ पे जिस तरह के ट्रीज जो है सुटेबल हैं तो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें जो है फार्मर्स को फायदा भी होता है, और जो है हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहता है। तो क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लगेंगे तो फार्मर्स जो है बेच सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं उससे, और प्लस इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। तो उसके बाद अब ये जो है इन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए ये मेथड जो है इन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए, मतलब ट्राइबल पीपल ज़्यादा माइग्रेट ना करें अर्बन सिटीज़ में जॉब्स की तलाश में, तो इसलिए जो है इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया था, ताकि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके इनकम के बेसिस पे और बेसिक नेसेसिटीज़ के बेसिस पे, कि फ्यूल वुड हो गया, टिम्बर हो गया, कैटल फॉडर हो गया, तो इन सब को ध्यान में रख के जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद तो ये याद रखना है कि वाडी मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है, ललितपुर और एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी रीग्रीनिंग ऑफ विलेज कॉमन्स प्रोजेक्ट। तो इसमें भी ये ट्री बेस्ड इंटरवेंशन हैं ये दोनों, यहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्री बेस्ड है। एक बात ये याद रखना है, रखने वाली है, विच आर प्रूविंग टू हैव ग्रेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड द रेंज ऑफ बेनिफिट्स दे डिलीवर टू द कम्युनिटी। तो एक ये मेथड है जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और दूसरा जो है
दूसरा है फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन। तो नाम से ही याद रख सकते हैं, नेचुरल रीजनरेशन, जो अपने आप हो रहा है, ठीक है, अपने आप जो जो ग्रो हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ क्रिटिकल टू एंश्योर दैट ओनर्स हैव द राइट टू मैनेज एंड यूज दीज ट्रीज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी यूज करनी चाहिए, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड में जो है ये बताते हैं कि कहाँ कौन सी सॉइल जो है किसको इसको कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल सॉरी कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल पे कौन सी जो एक तरह से क्रॉप है वो सूट करेगी। तो इस तरह से जो है साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, वैसे कहने का मतलब ये है। तो टू डिटरमाइन द राइट टाइप ऑफ ट्री बेस्ड इंटरवेंशंस, टू डिटरमाइन द राइट टाइप ऑफ ट्री बेस्ड इंटरवेंशंस मोस्ट सुइटेबल टू अ सर्टेन लैंड यूज। उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है कि नेक्स्ट टूल है रीस्टोरेशन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट मेथडोलॉजी। इसको 40 कंट्रीज में इसको यूज़ किया जा रहा है टू फाइंड द बेस्ट मेथड फॉर लैंडस्केप रीस्टोरेशन। ठीक है, द टूल इंक्लूड्स रिग्रेस एनालिसिस ऑफ स्पेशियल लीगल सोशियो इकोनॉमिक डेटा एंड ड्रॉज ऑन कंसल्टेशन विद की स्टेक होल्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइप ऑफ इंटरवेंशन। कि जैसे यहाँ पे ट्री बेस्ड इंटरवेंशन है या फिर लैंडस्केप बेस्ड होगा, क्यों किस तरह से होगा, तो उसके लिए जो है ये टूल है। उसके बाद इंडिया में जो है इस टूल को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में यूज़ किया जा रहा है, और इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया है ओवर रिलायंस ऑन प्लांटेशन। उसके बाद जितना अभी एग्जिस्टिंग हमारा फॉरेस्ट कवर है उसके अलावा जो है 28 to 34 मिलियन हेक्टेयर हमें और ट्री कवर अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन फिक्स एनपीए, एनपीए दोबारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि येस, जो येस के फेवर में है, तो उन्होंने बोला है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट जो है जितना सोचा था उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को जो है रिकैपिटलाइज तो करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हेयर कट आर हर्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हेयर कट क्या होता है, नॉर्मली जब आप हेयर कट करवाने जाते हो तो क्या होता है, आपके बाल सलून में या बार्बर शॉप में जहाँ पे भी जाते हो, तो आपके बाल छोटे कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक। लेकिन बैंकिंग में ये नहीं होता है, बैंकिंग में उसके बाद आपके हेयर्स दोबारा ग्रो भी हो जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग में क्या होता है कि बैंक जो है ये कॉरपोरेट बोरोअर्स हैं, तो इनको जो है बैंक लोन दे रहा है, भारी मात्रा में लोन दे रहा है, ठीक है, मान लो 280 बिलियन या 300 बिलियन, जो भी आपको आपको सूट करे जो अमाउंट, ठीक है, बैंक तो ये उनको जो है लोन दे रहा है। अब इन्होंने किसी वजह से बोल दिया, एक्चुअली जो अभी हो रहा है इंडिया में, जैसे कॉर्पोरेट बोरोअर्स वगैरह बोल रहे हैं कि हम वापस रीपे नहीं कर सकते, हमें लॉस हो गया है और हम उतना पैसा वापस नहीं दे सकते। तो जब भी बात आती है हेयर कट की, तो हेयर कट का मतलब होता है कि अगर 50% हेयर कट है, तो मतलब कि अब इनको जो है जिन्होंने लोन लिया है कॉर्पोरेट बोरोअर्स, तो इनको जो है 140 बिलियन डॉलर ही वापस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 300 बिलियन डॉलर बैंक ने लोन दिया है, तो सिर्फ जो है 150 बिलियन डॉलर ही कॉर्पोरेट बोरोअर्स को जो है, मतलब उतना परसेंट लोन जो है काट दिया जाता है, जैसे आपके बाल काट दिए जाते हैं वैसे लोन काट दिया जाता है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेम ही रहता है। अगर 5% इंटरेस्ट रेट पे दिया था, तो 5% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी रहेगा, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये जो अमाउंट है इसको जो है 50% काट दिया जाएगा, या जितना भी परसेंट, 90% है तो 90% काट। तो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि ठीक है, बैंक ये बोलती है कि ठीक है कि पूरा पैसा नहीं आएगा वापस, ना सही, कुछ तो आएगा। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को 10 रुपये लोन दिए, वो उसने मना कर दिया, उसने बोल दिया कि नहीं दे सकता भाई, नहीं अभी, तो चल पाँच ही दे दे यार, ठीक है, तो कुछ तो आएगा, सब पूरा तो नहीं चला जाएगा कम से कम। अब क्योंकि बैंक लोन कैसे देता है, जो नॉर्मल जो कॉमन जनता है, कल भी मैंने शायद बात की थी कि बिना सिक्योरिटी के हम लोग जो है बैंक को पैसा जमा कर देते हैं, बैंक आगे उसको जो है एज ए लोन देती है, तो ये सब चीज़ें। तो अब ये इसके पास जो 140, बैंक को जो 140 बिलियन डॉलर का जो नुकसान हो गया है, तो कौन भुगतेगा उसे, कहीं ना कहीं जो है बैंक के जो जिन्होंने डिपॉजिटर्स हैं वही तो भुगतेंगे, तो ये पैसा जो है नॉर्मल सिटीजन्स का है। तो इससे जो है मतलब हेयर कट से जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हर्ट हो रही है। अब एक तो लोन को राइट ऑफ करना, और प्लस हेयर कट्स, वैसे हेयर कट्स इतने कॉमन नहीं है इंडिया में, बट
इस आर्टिकल में बात कर, लेकिन इतने कॉमन नहीं है बट स्टिल हैं. तो इन रियलिटी तो जो लोग नो बोल रहे हैं कि नहीं ये एनपीए को फिक्स नहीं कर सकता, तो उनका ये कहना है कि इन रियलिटी दिस विल नॉट इनेबल बैंक्स टू रिकवर द, मतलब कहने का मतलब ये इनकी बात भी सही है कि सिर्फ जो है रिकैपिटलाइजेशन से, पहले भी रिकैपिटलाइजेशन हुआ है फिर से रिकैपिटलाइजेशन होगा, तो इससे जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो सकती. मतलब ये बोल रहे हैं कि आप सिम्टम्स को, कोई बीमारी है आप सिम्टम्स को बार बार अटैक कर रहे हैं, आप कॉज को अटैक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बार बार होगा. अभी आप दे दोगे, अभी आप मतलब रिकैपिटलाइज कर दोगे, फिर उसके बाद इनको दोबारा फिर से यही प्रॉब्लम रहेगी. तो ये जो है टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जो कि इनकी बात भी सही है. पब्लिकेशन, अब यहाँ पे इन्होंने जैसे कल भी शायद मैंने बात बोली, नहीं नहीं ये बात नहीं बोली थी, पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ डिफॉल्टर्स, इन्होंने बोला था कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनके नेम जो है, या जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको, जो उनको क्रिमिनल ऑफेंस उन पर लगाया जाए और उनका नाम जो है पब्लिक डोमेन में मतलब सामने रखा जाए, पब्लिक डोमेन के में लोगों के सामने रखा जाए कि कौन कौन से डिफॉल्टर्स हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं इन्होंने. जैसे कल आर्टिकल में बोला था कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए. उसके बाद ये सब चीज़ें, फिर जो लोग नो कर मतलब अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उनका ये भी कहना है कि अब बैंक जो है, बैंक मतलब जैसे बैंकरप्सी, बैंक अगर बैंक और या इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो रही हैं तो उससे क्या होगा, उससे लेंडिंग नहीं होगी, उससे बैंक्स कैन नॉट लेंड. ठीक है, उसके बाद लेकिन गवर्नमेंट कह रही है बैंक को कि लोन दो, आप लोन दो, तो उससे क्या है, बैंक का कैपिटल जो है, बैंक के पास कैपिटल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी एक तरह से मतलब इकोनॉमी हमारी जो है वो लो होती जाएगी. तो और इससे जो है, जब हमारी इकोनॉमी घट जाएगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है एनडीए गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं, मतलब लोग क्यों इलेक्ट करेंगे. तो ये यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल एंगल जोड़ दिया है जो कि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ये इन्होंने बोला हुआ है. उसके बाद अच्छा हाँ, ये यही था कि बैंक जो है, बैंक बैंकरप्ट हो रही है, लेंड नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोन्स दो, और लोन्स देने के लिए बैंक को कैपिटल चाहिए, और जब बैंक नहीं दे पाएगी तो लोन्स नहीं जब लोन्स नहीं दे पाएगी तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकॉनमी जो है एक तरह से डंप इन कर जाएगी, यानी कि इकॉनमी डिग्रेड हो जाएगी, इकॉनमी नीचे गिर रही है. तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में जो है दोबारा से यह सरकार इलेक्ट नहीं होगी, तो ये भी एक इन्होंने वजह बताई थी. उसके बाद ये है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड आर्टिकल है. तो इसमें इन लोगों ने बोला है कि ठीक है ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, इन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इससे लैक ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सॉल्व नहीं होगी. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि फोर्थ टाइम है सिंस मिड 80s दैट PSBs आर बीइंग इन्फ्यूज्ड विद सब्सटेंशियल कैपिटल ड्यू टू हाई एनपीए. तो ये मतलब बार बार, इसका मतलब ये रिपीटेडली जो है रिकैपिटलाइज किया जा रहा है बैंक को, तो ये फोर्थ टाइम है. उसके बाद अगर कैपिटल इन्फ्यूजन ही सॉल्यूशन होता तो बार बार क्यों करते. यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये बार बार इसलिए हो रहा है कि गवर्नेंस की वजह से और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से. अब गवर्नेंस में इन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक चीफ्स एंड देयर मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मस्ट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर. उसके बाद सेकेंड इशू उन्होंने यहाँ बताया कि कम से कम इनका जो है एटलीस्ट 5 साल का तो फिक्स टेन्योर होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है सैलरी स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की है. ठीक है, फिर प्रोफेशनलाइजेशन की इन्होंने यहाँ पे बात की है कि थ्रू लेटरल एंट्री एट द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर, नॉट एट ईडी और एमडी लेवल. फिर फोर्थ इन्होंने यहाँ पे बोला बैंकिंग बोर्ड्स नीड टू बी मैन्ड बाय प्रोफेशनल डायरेक्टर रादर देन पॉलिटिकल नॉमिनीज. ठीक, अकाउंटेबिलिटी की बात की है, और अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय रिमूविंग सीनियर मैनेजमेंट फॉर नॉन नॉन परफॉर्मेंस. तो काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पे जो है, ये जो है रिकमेंडेशन भी है नरसिम्हन कमेटी की. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन्होंने बोला कि ज्वाइंट लेंडिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है, कि किसी ने एक बैंक से लोन लिया, उसको 20 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन बैंक जो है 20 लाख लोन दे नहीं रही थी, तो उसने एक बैंक से उसने 10 लाख लिया और दूसरे बैंक से उसने जो है 10 लाख ले लिया, तो अब वो दोनों को ही नहीं चुका पाया. तो
दोनों ही बैंक को इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो जो ज्वाइंट लैंडिंग जो है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता, और बैंक थोड़ी ना आपस में बात करते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इसने इधर से भी लोन लिया हुआ है, उधर से भी लोन लिया हुआ है। तो ज्वाइंट लैंडिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ पे वी नीड टू अडॉप्ट सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस बाय क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट ओवर अ साइज टू बी अंडरटेकन बाय वन बैंक। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचुटरी ऑडिटर्स, द ऑडिटर्स आर शॉर्टलिस्टेड बाय प्रोमोट, अभी जो है ऑडिटर्स आर शॉर्टलिस्टेड बाय प्रोमोटर्स एंड देन असिस्ट बाय ऑडिटर कमिटी एंड बोर्ड। ऑल्सो इन केस अगर अगर ऑडिटर्स ने रॉन्ग रिपोर्टिंग की तो उनको पनिश भी किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट प्रोमोटर, तो हु हैव सीफंड ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर, जिन्होंने जो है फंड्स अपने पर्सनल एसेट में ट्रांसफर करवा लिया है, तो उनको भी पनिश किया जाना चाहिए चाहिए। तो ये सारे जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं। इन्होंने कुछ गैप्स यहाँ पे बताए, कुछ लूप होल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। ज्वाइंट लैंडिंग, स्टैचुटरी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचुटरी ऑडिटर, उसके बाद प्रोमोटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, ठीक है। तो अभी जो है क्विक एक्शन प्लान भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वी, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि वी नीड टू डील विद एनपीएस सेक्टर बाय सॉरी डील विद एनपीएस सेक्टर बाय सेक्टर। तो पावर सेक्टर के एनपीएस, फिर रोड सेक्टर के, मतलब सेक्टर वाइज जो है एनपीए को डील करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको अगर आप लोग जहाँ पे भी अपने न्यूज़पेपर नोट्स बनाते हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। इट टेक्स अ विलेज, जैसे मैंने पहले बोला था कि टीचर्स को हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट सॉरी हर चीज़ के लिए ब्लेम करना जो है सही नहीं है। अगर स्टूडेंट्स लो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए टीचर्स को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है। ये इस आर्टिकल में बार बार ये बात रिपीट की गई है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी कंट्रीज में जो है टीचर्स शॉर्टेज है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में, या टीचर्स शॉर्टेज तो है ही। उसके बाद स्टूडेंट अगर लो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उनका फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, हो सकता है वो बच्चा डिप्रेशन में हो, हो सकता है उसको, जैसे उसको थ्योरी में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को कोई देखना चाहता हो तो, और जैसे उनको कुछ तरह किसी तरह का डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कई बार कई डिसऑर्डर होते हैं पेरेंट्स को पता नहीं चलता। आपने सबने तारे ज़मीन पर देखी होगी, ईशान अवस्थी को डाइसलेक्सिया होता है, तो उसके पेरेंट्स को कहाँ पता चलता है? वो तो जब तक आमिर खान नहीं आता तब तक उनको नहीं पता चलता है। तो हो सकता है कि उनको डिसऑर्डर हो। तो लो परफॉर्मेंस अगर बच्चे मतलब दे रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर लो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर रिस्पॉन्सिबल है। मोरोवर टीचर के की भी अलग अलग रीज़न है, मतलब टीचर एब्सेंटिज्म की बात की है यहाँ पे। तो टीचर एब्सेंटिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफिशियल ड्यूटी उनकी कहीं लगा दी जाती है, जैसे कि अभी इलेक्शन, जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स को की जो है ऑफिशियल ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ऐसी ऐसी उनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बोली गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, तो इन्होंने एक स्टडी करी है, उसमें ये पाया है कि स्टडी ऑफ टीचर एब्सेंटिज्म इन 619 स्कूल्स अक्रॉस 6 स्टेट्स कैरिड आउट, ठीक है। वाइल द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइल द ओवरऑल सॉरी परसेंटेज ऑफ टीचर्स नॉट इन स्कूल, जो मतलब टीचर एब्सेंटिज्म की जो परसेंटेज 18.5 थी, तो लेकिन उसमें से एक्चुअल जो छुट्टी लेके बैठे थे वो 2.5 ही थे, बाकी उनकी कहीं कहीं ऑफिशियल ड्यूटी लगी थी या बोनाफाइड लीव पे थे वो। तो यहाँ पे फिर से टीचर शॉर्टेज की बात की। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सिर्फ टीचर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं सुधरेगा। उसके बाद पैकिंग ऑर्डर, यहाँ पे लॉ कमीशन ने दो रूल्स बनाए हैं, द प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स एग लेइंग हेंस रूल 2017 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल ब्रॉयलर चिकन। तो यहाँ पे जो हैंस एंड चिकन्स के साथ जो भी इनके साथ अत्याचार होता है, और उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि मोर एनवायरमेंट सॉरी मोर नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ हाउसिंग, ठीक। और दे कॉल फॉर अ बेटर फार्मिंग टेक्निक, ब्रेकिंग ऑफ बीक्स, यहाँ पे कुछ कुछ की तो जो बीक होती है उसको ही तोड़ देते हैं, या जैसे किलिंग ऑफ यंग मेल चिक्स इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अननेसेसरी फीडिंग ऑफ नॉन थेरेपेटिक एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है फिर उनको, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, आज के टाइम की। उसके बाद लॉ कमीशन नोट्स दैट इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री इज अनेबल टू केटर टू एन इंक्रीजिंग कंज्यूमर, आजकल जो डिमांड है वो क्रुएल्टी फ्री
क्रुएल्टी फ्री मीट या ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड एग्स, इनकी डिमांड है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो हर्ट होते हैं. लैक ऑफ सच एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड इन द लार्जर मार्केट हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेलर्स एंड हॉस्पिटेबिलिटी इंडस्ट्री. तो इसमें जो है यहाँ पे इन्होंने द कमीशन रिपोर्ट पब्लिश इन जुलाई फर्दर रिकमेंड, तो ये और है, उन्होंने रिकमेंडेशन किए हैं कि सर्टिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री फार्म्स बाय स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट. तो अब पोल्ट्री फार्म्स को सर्टिफाई किया जाए, ये भी एक इन्होंने रिकमेंड किया है. तो शुड मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम केज फ्री एग्स फार्मिंग एंड दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरी केज फार्मिंग. ठीक है, तो इस पे सर्टिफिकेशन किया जाए कि कौन सा केज फ्री है, कौन सा बैटरी केज. बैटरी केज को अक्सर जो है अपोज किया जाता है, क्रूएल माना जाता है उसको. तो फिर यहाँ पे ड्राफ्ट एग लेइंग हेंस रूल, तो ओनस इज ऑन फार्मर कि अगर कुछ भी कुछ अगर मतलब वहाँ पे अगर जो जो भी जानवर है वो अगर बीमार हो जाता है तो फार्मर को जो है सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए वहाँ की जो है लोकल अथॉरिटी को, स्टेट बोर्ड को, हेंस गवर्नमेंट, क्योंकि वो हो सकता है कि वो डिसीज आगे जो है काफ़ी फैल के और काफ़ी लार्ज स्केल में पॉपुलेशन को अफेक्ट करे. तो एवरी फार्म शैल हैव एटलीस्ट वन रूम और एनक्लोजर फॉर क्वारंटाइन सिक हेंस, मतलब एक अलग कमरा होना चाहिए जो बीमार हेंस हैं या जो बीमार हैं उनके लिए. ठीक है, इन द ड्राफ्ट ब्रॉयलर चिकन रूल, तो ये दूसरा रूल है, उसमें क्या क्या रिकमेंड किया है. चिकन शुड नॉट हाउस्ड इन केज और केप्ट वायर, और मतलब उनको ये कि उनको फ्री मूवमेंट की, तो उनको कम से कम होने उतना स्पेस होना चाहिए कि वो फ्री मूव्स कर पाए, फ्री मूव कर पाए अपने विंग्स को, यू नो, फड़फड़ा पाए, तो स्ट्रेच कर पाए, स्ट्रेच इज द वर्ड, तो स्ट्रेच कर पाए उनको, तो उनको इतना स्पेस देना चाहिए. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली है. इंडोर चिकन शुड बी प्रोवाइडेड विद स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू कीप देम एक्टिव, एक ये रिकमेंडेशन है. उसके बाद पोल्ट्री फार्म शुड सेल चिकन ओनली टू लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस. तो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम उसमें अपलोड करूंगी, जितने भी येलो मार्क्ड हैं यहाँ पे, जो जो जितने भी लाइंस जो है येलो मार्क्ड हैं, तो ये जो है उनकी रिकमेंडेशंस हैं, एक बार इसको पढ़ लेना. उसके बाद ये श्रीलंका है, श्रीलंका का नॉर्दर्न प्रोविंस है ये, जहाँ पे इंडिया से जो है कुछ तमिलियंस जो है कुछ अपनी विल पे या कुछ जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है माइग्रेट करवाए गए थे. तो यहाँ पे इसमें डेटा पॉइंट में ये दिया हुआ है कि पॉवर्टी जो है श्रीलंका में कितनी है, कहाँ है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट इन श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लैंग्विशिंग इन पॉवर्टी. तो ये जो आप डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, बाकी जगह तो फिर भी ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ से, और ये तो काफ़ी डार्क ब्राउन है, तो ये एरिया जो है काफ़ी पुअर है. उसके बाद पॉवर्टी रेशियो डिपिक्टेड इन द मैप इज़ बेस्ड ऑन डेटा रिसेंटली रिलीज फ्रॉम हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे. तो ये थे आज के एडिटोरियल. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.